हे गाइस व्हाट्स अप। सो एक क्लियर स्किन होना इतना जरूरी है जितना कि कैरी मिनाटी का टिकटॉक को रोस्ट करना, क्योंकि क्लियर स्किन एक लड़के को अट्रैक्टिव इनटू 100 बना देती है। बट कुछ डार्क स्किन लड़के इस चीज के अहमियत को समझते नहीं है और क्लियर स्किन पर ध्यान ना देकर फेयर स्किन पर ध्यान देने लगते हैं। फिर वो उल्टा सीधा क्रीम लगाते हैं, उल्टा सीधा फेस पैक लगाते हैं, फिर एंड में होता क्या है, वो गोरे तो नहीं हो पाते हैं, उल्टा अपने फेस पर पिंपल्स, डार्क स्पॉट जैसे प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। इसीलिए हमें क्लियर स्किन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भले ही अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है, बट अगर आपकी स्किन एकदम कांच की तरह क्लियर है, उसमें ना कोई डार्क स्पॉट ना कोई पिंपल्स है, तो आप अट्रैक्टिव इनटू 100 तो क्या, अट्रैक्टिव इनटू 1000 लगोगे। इसीलिए आज मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने स्किन को क्लियर बना सकते हो। उससे पहले अगर आप लव डार्क की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बना जो भाई डार्क स्किन या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो पहली चीज जो आपको करनी है अपने स्किन को क्लियर बनाने के लिए वो है कि हफ्ते में एक बार अपने तकिए के कवर को जरूर धोना, जिस तकिए पे आप सोते हो, क्योंकि डेली कम से कम हम लोग 7 से 8 घंटे उस तकिए पे सोते हैं, जिसमें से कभी हम लोग सर पे तेल लगा के सोते हैं और कभी कभी सोते वक्त चेहरे से पसीना निकलने लगता है, तो इससे तकिए के कवर पे धीरे धीरे मैल और बैक्टीरिया जमने लगती है, जिससे आपको पिंपल्स होने का खतरा रहता है। और ये चीज तो आपके साथ एक बार जरूर हुआ होगा कि रात को सोने से पहले आपका फेस एकदम क्लियर था, बट जब आप अगले सुबह सो के उठते हो तो आप देखते हो कि आपके फेस पर एक पिंपल निकला हुआ है, तो उसका यही रीजन है। इसीलिए जिस तकिए पे आप सोते हो उस तकिए के कवर को हफ्ते में एक बार धो लिया करना, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके स्किन को क्लियर नहीं बनने देती। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको कसम खाना है कि आप अपने फेस को साबुन से नहीं धोओगे, क्योंकि साबुन बॉडी के स्किन के लिए बनी है, फेस के स्किन के लिए नहीं, क्योंकि हमारे फेस की स्किन हमारे बॉडी की स्किन से कई गुना पतली होती है, जिससे हमारे फेस की स्किन साबुन के हार्श केमिकल्स को सहन नहीं कर पाती है, जिससे अगर आपका फेस ऑयली है तो वो और ज्यादा ऑयली हो जाएगी और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। इसीलिए फेस को साबुन से नहीं बल्कि फेस वॉश से धोना चाहिए, दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फेस वॉश में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे फेस के स्किन के लिए ही बने होते हैं। बट फेस वॉश खरीदते वक्त एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि फेस वॉश अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना, क्योंकि अगर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज नहीं करोगे तो इससे आपका स्किन क्लियर होने के बजाय और खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हमेशा ऑयली स्किन वाला फेस वॉश यूज करना, और अगर आपका स्किन ड्राई है तो हमेशा ड्राई स्किन वाला फेस वॉश यूज करना। और फेस वॉश के ऊपर ये लिखा रहता है कि ये फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए, और जो फेस वॉश मैं यूज करता हूँ उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप चाहो तो खरीद सकते हो। और ये फेस वॉश कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद ये फेस वॉश यूज करता हूँ। तीसरी चीज जो आपको करनी है फेस वॉश करने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जिससे बाहर की धूल गंदगी आसानी से हमारे स्किन के अंदर चली जाती है। इसीलिए मॉइस्चराइजर लगाने से हमारे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे बाहर की धूल गंदगी हमारे स्किन के अंदर जा नहीं पाती है और हमारा स्किन क्लियर रहता है। अब बहुत से ऑयली स्किन वाले बंदों का एक प्रॉब्लम होता है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद उनका स्किन काफी ऑयली लगने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लगाते हो, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद आपकी स्किन ऑयली है और आप ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइजर लगा रहे हो। इसीलिए अगर आप अपने स्किन टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइजर लगाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और मॉइस्चराइजर हमेशा इतना सा लगाना, इससे ज्यादा लगाओगे तो आपकी स्किन ऑयली लगने लगेगी। चौथी टिप है, सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे के बीच में जब भी आप धूप में बाहर जाओगे तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगा लेना। अब बहुत से डार्क स्किन लड़के को ये लगता है कि हमारी स्किन तो डार्क है, हमें धूप से क्या डरना, बट नहीं मेरे भाई, सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक की धूप हमारे स्किन के लिए बहुत ही खराब होती है, जो हमारे स्किन को टैन करने के साथ साथ हमारे स्किन को डैमेज भी करती है, फिर चाहे आपकी स्किन डार्क हो या फेयर। और एक डैमेज स्किन कभी भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए एक SPF 30 या SPF 50 वाले सनस्क्रीन का यूज किया करो। जब भी आप 10 से 4 बजे के बीच धूप में
घर से बाहर निकलोगे तब। पांचवी चीज जो आपको करनी है अपने फेस को क्लियर बनाने के लिए, वह मिनिमम हफ्ते में एक बार और मैक्सिमम हफ्ते में दो बार अपने फेस को स्क्रब किया करो, क्योंकि पसीना, धूल, पॉल्यूशन, गंदगी की वजह से हमारे फेस पर एक डेड स्किन आ जाती है जिससे हमारा फेस बेजान लगने लगता है। बट स्क्रबिंग क्रीम में छोटे छोटे दाने होते हैं जिसके वजह से फेस को स्क्रब करने से हमारे फेस के ऊपर की डेड स्किन हट जाती है और हमारा स्किन फ्रेश और क्लियर लगने लगता है। बट हाँ, अगर आपके फेस में पिंपल्स है तब स्क्रब मत करना, वरना आपके पिंपल्स में दर्द पहुंचेगा और आपका पिंपल्स और बढ़ जाएगा। छठी टिप है, शुगर और शुगर वाली चीज जितना हो सके कम खाया करो, क्योंकि शुगर या शुगर वाली चीज खाने से हमारा ब्लड इंसुलिन स्पाइक होता है और इसी तरह ब्लड इंसुलिन बार बार स्पाइक होने से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए चीनी और मिठाई वगैरह थोड़ा कम खाया करो और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी और फ्रूट्स वगैरह खाया करो, और ऑयली फूड और बाहर का जंक फूड भी जितना हो सके कम खाना, क्योंकि अगर आप अपने फेस पर चाहो कितना भी महंगा फेस वॉश, कितना भी महंगा मॉइस्चराइजर भी क्यों ना लगा लो, बट अगर आपकी स्किन अंदर से ही हेल्दी नहीं रहेगी तो आपकी स्किन कभी क्लियर नहीं होगी। इसीलिए बाहर का खाना कम खाया करो और जितना हो सके घर का खाना खाया करो। सातवीं टिप है, जितना हो सके पानी पिया करो, एटलीस्ट दिन भर में 2 लीटर पानी तो पिया ही करो, क्योंकि जिस तरह एक पौधे में पानी ना दिया जाए तो वो पौधा बेजान और मुरझाया हुआ लगने लगता है, सेम उसी तरह अगर हम पानी ना पिए तो हमारा स्किन बेजान लगने लगता है। इसीलिए अपने स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने के लिए ज्यादा करके पानी पीना बहुत जरूरी है, इससे आपका स्किन हाइड्रेटेड और क्लियर रहेगा। एंड फाइनली आठवीं चीज जो आपको करनी है अपने फेस को क्लियर बनाने के लिए, वो है कि डेली एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पसीना निकलता है जिससे आपके फेस में जो भी बैक्टीरिया और मैल जमी हुई होती है वो पसीने के थ्रू धीरे धीरे आपके फेस से निकल जाती है जिससे आपका फेस क्लियर रहता है। और एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, जिमिंग, कुछ भी करना, बट डेली पसीना बहाना। तो ये थे वो 8 टिप्स अपने स्किन को क्लियर बनाने के लिए, और पर्सनली मैं खुद इन्हीं चीजों को फॉलो करता हूँ अपने स्किन के लिए। और यकीन मानो आपको और कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है, बस इन 8 टिप्स को अच्छे से फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन हेल्दी और क्लियर हो जाएगी। और हाँ, फेस के सारे बेस्ट प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं उससे अपना ताकत बनाओ।